हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में गाइस मैं आपसे बात करने वाला बहुत सारी टेक्निकल न्यूज़ के बारे में, क्या क्या हमारे इंडस्ट्री में चल रहा है, क्या क्या नया लॉन्च होने वाला है, बहुत सी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। वीडियो गाइस आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, हो सकता है आप कुछ ऐसी चीज़ मिस कर जाओ जिसकी आपको जरूरत थी। तो चलिए गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो लेके आते रहते हैं। चलिए गाइस बात करते हैं ट्विटर की। इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है ट्विटर, जहाँ देखो सब तरह ट्विटर की खबर आती जा रही है। जब से इलॉन जी आए हैं यहाँ पर, उन्होंने बहुत सी चीज़ें की चेंजेस कर दी हैं यहाँ पर, बहुत से लोगों को यहाँ से निकाल भी दिया, जो बिल्कुल एकदम हाई पोस्ट पर थे उनको भी वहाँ से हटा दिया गया है। तो गाइस और क्या क्या उन्होंने करा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उन्होंने $1 की जो स्कीम निकाली है, उसको मैं स्कीम इसलिए कह रहा हूँ कि आप $1 देने के बाद उनका जो ब्लू टेक है वो ले सकते हैं पर मंथ के हिसाब से। तो गाइस आपको ये क्या लग रहा है, गाइस मैं तो बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ब्लू टेक की कोई खास वैल्यू बचेगी नहीं, क्योंकि सबको अगर ब्लू टेक मिल जाएगा तो गाइस ब्लू टेक की क्या वैल्यू बचेगी। क्योंकि पहले क्या होता था, अगर आप वेरीफाइड हैं, अगर उसके कैपेबल हैं, तो ट्विटर जो है खुद से आपको वेरीफाई करता था, मगर अब कोई भी उस पर वेरीफाई बन सकता है। तो गाइस मेरे हिसाब से तो कोई वैल्यू बची नहीं है। अब आपको क्या लगा गाइस कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि ब्लू टिक गाइस आप खुद से परचेज कर सकते हो? तो मेरे हिसाब से तो कोई वैल्यू बचेगी नहीं इस ब्लू टिक की। आपकी जो राय गाइस मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए गाइस अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सैमसंग के S23 सीरीज की तरफ से आ रही है, जिसकी लॉन्चिंग गाइस हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिल जाएगी फरवरी के फर्स्ट वीक में। जिसके बाद प्रोसेसर की बात करूंगा, तक ये पता चल रहा है कि उसमें स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2 हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि गाइस अभी बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर होने वाला है, अभी तक किसी फोन में हमें देखने को नहीं मिला है। सबसे पहले हो सकता है हमें इसी फोन में देखने को मिले, अभी तक जो है स्नैपड्रैगन का 8 Gen 1 जो है सबसे ज्यादा लेटेस्ट चल रहा है इस टाइम, बहुत सारा हमें स्मार्टफोन्स में देखने को मिल गया था, मगर जो 8 Gen 2 है गाइस हमें सबसे पहले हो सकता है इसी फोन में देखने को मिल जाएगा, जो कि नेक्स्ट ईयर लॉन्च होने वाला है। गाइस जो की सीरीज लॉन्च होने वाली है S23, इसमें गाइस हमें बैटरी बैकअप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, जिसमें एक लाइट मोड करके एक फीचर इसमें ऐड करने वाला है सैमसंग, जिसकी वजह से गाइस हमें बहुत अच्छा हमें बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। फिलहाल तो गाइस अभी यही न्यूज़ में पता चल रही है, अभी देखते हैं गाइस आगे क्या क्या न्यूज़ मिलती हैं, जैसी आती रही गाइस मैं आपको इसी तरह से कवर करके पूरा देते रहूंगा। चलिए गाइस बात कर लेते हैं रेडमी का K60 के बारे में, जो कि बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे फीचर के साथ आने वाला है। कैमरे की बात करूँ तो गाइस 48 मेगापिक्सल का हमें इसमें कैमरा देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करूँ तो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9200 हमें प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग और लेटेस्ट प्रोसेसर है, अभी तक हमें किसी में देखने को नहीं मिला था। बैटरी बैकअप की बात करूँ तो गाइस 5500 mAh की हमें बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। देखते हैं गाइस और क्या क्या इसमें आने वाला है, जैसे ही लॉन्च होने वाला होगा गाइस और जो नई इसकी नई नई खबर आने वाली होंगी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा डिटेल से। तो इसी तरह की वीडियो गाइस हम लेके आते रहते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हमारी वीडियो को लाइक कर जरूर कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना अगर अब तक नहीं किया है आपने तो। चलिए गाइस बात कर लेते हैं iPhone 15 की। उस सीरीज में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन से फोन्स उसमें होने वाले हैं और क्या क्या फीचर हमें देखने को मिलने वाले हैं उसमें, गाइस हमें 4 फोन्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि अभी सीरीज चल रही है सेम वैसे ही देखने को मिलेंगे। 2 उसमें 6.7 इंच के फोन होने वाले हैं और 2 जो है उसमें 6.1 इंच के फोन होने वाले हैं। 6.7 इंच के फोन जो उसमें एक प्रो और एक नॉन प्रो होने वाला है, और जो 6.1 है उसमें हमें एक प्रो उसमें एक नॉन प्रो वैसे सेम देखने को मिला जैसे अभी फोन चल रहे हैं। फीचर्स की बात करूँगा जो आईफोन 15 का जो एकदम टॉप एंड लाइन वाला फीचर उसमें गाइस हमें जो है जो बटन्स हमें देखने को मिलने वाले हैं, हमें सॉलिड बटन देखने को मिलने वाले हैं, सॉलिड स्टेट बटन जिस तरह के हमें आईफोन के आईफोन 7 में देखने को मिलते थे, इस बार जो हमें बटन देखने को मिले मैकेनिकल बटन देखने को मिले, जो कि हमें प्रेस होते हुए दिखेंगे। मगर जो आईफोन 15 अल्ट्रा सीरीज होने वाली है उसमें गाइस हमें जो सारे बटन जो होने वाले हैं, जो कि हमें पावर बटन और जो उसमें हमें वॉल्यूम वाले बटन होते हैं, वो बिल्कुल गाइस एकदम स्लिम होने वाले हैं, कुछ भी दिखेंगे नहीं, बस आपको फील होगा कि बटन दब रहा है। जैसे कि आपको पता है बहुत ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग्स आती हैं, जैसे कि आपको आईफोन 7 में देखने को मिलती थी, इसी तरह से गाइस इसमें भी हमें देखने को मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं डायनेमिक आइलैंड के बारे में। डायनेमिक आइलैंड जो है गाइस आईफोन 14 सीरीज में हमें लिमिटेड फोन में देखने को मिला, जो नॉन प्रो फोन थे उसमें देखने को नहीं मिला है। मगर गाइस आप निराश मत होना, जो आईफोन 15 सीरीज आने वाली है लीक से ही पता चल रहा है गाइस उसमें जो सारे मॉडल्स में हमें डायनेमिक आइलैंड फीचर देखने को मिल जाएगा, आप चाहे नॉन प्रो खरीदें चाहे प्रो फोन खरीदें, दोनों में आपको डायनेमिक आइलैंड फीचर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा अमेजिंग, कितना ज़्यादा कूल लगने वाला है हमें आईफोन 15 सीरीज। अगर गाइस आपके पास आईफोन 13 है तो आप वेट कर लेना आईफोन 15 के लिए, उसमें गाइस आपको नॉन प्रो में डायनेमिक आइलैंड फीचर देखने को मिल जाएगा, जो कि इस बार एप्पल ने उसमें कट किया है जो 14 सीरीज के फोन है। और गाइस में रिफ्रेश रेट की बात करते हुए जो प्रो सीरीज के फोन होने वाले हैं उसमें गाइस हमें 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जो कि नॉन प्रो है उसमें हमें फिर से 60Hz का ही देखने को मिल सकता है। इस चीज़ में गाइस एप्पल हमें बिल्कुल निराश कर रहा है, हमें इतना महंगा फ़ोन लेने के बाद भी कम से कम 120Hz उसमें देना ही चाहिए, भले ही इसमें कैमरा कम कर ले रहा है, कैमरा कम कर ले कोई बात नहीं, मगर डिस्प्ले का फीचर है वो तो उसमें इंक्लूड करना ही चाहिए। तो गाइस यही कुछ न्यूज़ थी जो मैंने आपसे शेयर करी, तो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताना।
अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।